गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीएचडी शोधार्थियों ने प्रमोट की मांग को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में एनएससीयूआई के महासचिव नितेश मिश्रा ने बताया कि दो वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा पीएचडी शोधार्थियों का एग्जाम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी सभी छात्रों ने प्रदर्शन कर एग्जाम कराने की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक एग्जाम नहीं करवाया। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि सभी छात्रों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनएससीयूआई के महासचिव नितेश मिश्रा ने कहा, उसके थ्रू हम लोग पीएचडी में एडमिशन हम लोग का लिए माउली के थ्रू हम लोग का जिंदाबाद 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 छात्र जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नितेश मिश्रा महासचिव एनएसयूआई, देखिए यहाँ पे जो विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे जो धरना दिया जा रहा है, विगत दो बार से यहाँ पे हम लोग धरना दिए थे। यहाँ पे रेट एग्जाम को लेकर पीएचडी शोधार्थियों का जो परीक्षा है वो नहीं हो रहा है, इसी सब मामले को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना बैठने को मजबूर हो गए हैं। हमारी मांग ये है कि अब बच्चों को प्रमोट किया जाए, बच्चों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए और जल्दी से जल्दी समस्याओं का निवारण हो।